खबर के प्रायोजक हैं श्रीजी इवेंट्स एंड डेकोरेटर्स। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन और रेवाड़ी पुलिस का विशेष अभियान हिफाजत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आयोग का प्रचार प्रसार, कैसे करें यौन शोषण अपराधों से सुरक्षा बच्चियों की। समाज में अबोध बच्चों के प्रति बढ़ते यौन शोषण अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 25 फरवरी से पंचकुला में हिफाजत अभियान का वीडियो वैन को डीजीपी ने रवाना किया। इस कड़ी में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बेंदे की अगुवाई और रेवाड़ी पुलिस की मौजूदगी में रेवाड़ी में अनेक स्थानों पर हिफाजत कार्यक्रम के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि वे अपनी बच्चों की होने वाले यौन शोषण से अपराधों से कैसे सुरक्षा करें ताकि इन अपराधों पर अंकुश लग सके। आयोग की चेयरपर्सन ने बताया कि यह अभियान पहले दौर में 7 मार्च तक 11 जिलों में चलेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ यौन अपराध होने पर अक्सर अभिभावक पुलिस को बदनामी के डर की शिकायत नहीं करते, जिससे पीड़ित बच्चियां दहशत में जीती हैं और अपराधियों को अधिक शय मिलती है, जिससे इन अपराधों में इजाफा होता है। अभिभावक बच्चों के साथ कुछ भी गलत होने पर चुप ना बैठे, तुरंत पुलिस को शिकायत देकर अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाए, चुप ना बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट। अरे तुम बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। कोमल अकेली खेल रही हो? हाँ। इधर आओ। नहीं नहीं कोमल, मत जाना। इधर आओ, आज हम आपको नया खेल सिखाएंगे। मैम से कितनी जागरूकता आएगी इससे, और जो जिस तरह से चाइल्ड अब्यूजिंग के केस आ रहे हैं? जी मेरा मानना है जिस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं तो चेंजेस तो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। क्या कहेंगे आप अभिभावकों को, खासतौर पर जिस तरह से आपने यहाँ देखा है? देख करके, और हम तो इस कार्य में इस क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पब्लिक का अवेयर होना अब जो है समय आ गया, सबको अवेयर होना ही होगा और हमें ये करना होगा। किस तरह का संदेश आपने दिया है अभी, और क्या मानते हैं कि इस तरह से कार्यक्रम किया? इसमें जो चाइल्ड हेरासमेंट होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चियों के साथ, जिनको समझ नहीं होती कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, तो इससे एक ये मिला है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और उनसे बातें करें कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे, टाइम टाइम पर उनसे सब मतलब बताए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। तो इनसे ये है कि उनको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी और पहले ही बच्चे समझदार हो जाएंगे कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। ये सोच कहाँ से आई कि नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जो है बच्चों को या पेरेंट्स को इस तरीके से अवेयर किया जाए? हाँ, अगर देखो हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, इससे जो लोग हैं थोड़ा मतलब वो होते हैं कि हाँ एक नाटक के जरिए हम बच्चों को सिखा सके, ऐसे इससे इंटरेस्ट भी बनता है। देखिए सबसे बड़ा सवाल कि जिन बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो पेरेंट्स पुलिस को कंप्लेंट नहीं करते? हाँ बिल्कुल, इंसल्ट महसूस, हाँ इंसल्ट महसूस ना हो, बिल्कुल नहीं करते, कोई भी नहीं करता कि उनकी बदनामी ना हो जाए, कि हम कहाँ मुँह दिखाएंगे अगर हमने पुलिस को कंप्लेंट कर दी। पर पेरेंट्स को करनी चाहिए, हमें बच्चों की हिफाजत देखनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, हमें लोगों का नहीं सोचना चाहिए। अगर पेरेंट्स अगर कंप्लेंट नहीं करेंगे तो क्रिमिनल्स को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा क्रिमिनल्स को बढ़ावा। क्या है ये आयोजन आज का? देखिए ये एक सामाजिक जागरूकता अभियान है जो प्रदेश भर में चल रहा है, जिसकी शुरुआत 25 तारीख को पंचकुला में डीजीपी साहब ने झंडी दिखा करके की थी। एक वीडियो वैन है जिसमें बच्चों के लिए कुछ वीडियोस बनाए गए हैं, जनरल पब्लिक के लिए कुछ वीडियोस बनाए गए हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, कैसे हम यौन अपराधों के प्रति बच्चों को सचेत कर सकते हैं, समाज में जागरूकता ला सकते हैं। और इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम यौन अपराधों को सहन ना करें, बोलना शुरू करें, केसेस रिपोर्ट शुरू करें, सामने केस आए ताकि उनका समाधान हो पाए, ताकि हम उस इसमें रोकथाम पर काम कर पाएं। लेकिन मैडम अक्सर देखने में आता है कि बच्चों के साथ जब कुछ गलत होता है तो पेरेंट्स भी उसे दबा देते हैं। बस वही यही एक विषय है, क्योंकि सर्वे सामने आते हैं कि एडोलसेंट ने वयस्क आयु में स्वीकार करते हैं कि कभी ना कभी हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन समय पर इस केस को रिपोर्ट नहीं करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। तो जब तक ऐसा होता रहेगा, क्योंकि अधिकतम घटनाएं 90% से ज़्यादा घटनाएं वहाँ परिवार में, उसके आसपास के पड़ोसियों में और रिश्तेदारी में बच्चों के साथ गलत होता है। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अब इसको रिपोर्ट करें, इस तरह के चीज़ों को दबाना बंद कर दें
यही जागरूकता हम समाज में लाना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में कहां कहां इस प्रकार का अभियान चलाया है? देखिए, हमने 22 में से 11 जिलों का चुनाव किया जहां पर पॉक्सो के केसेस की रिपोर्टिंग सबसे ज़्यादा थी। तो जहां इस प्रकार के अपराध की रिपोर्टिंग हमें ज़्यादा मिल रही थी, फर्स्ट फेज में हम वहीं कर रहे हैं। लेकिन स्कूली स्तर पर पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। स्कूली कॉम्पिटिशन्स हैं, स्लोगन राइटिंग्स हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, स्कूली स्तर पर चल रहा है। NSS के माध्यम से जागरूक रैलियां निकाली जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से प्लेज और गुड पेरेंटिंग सेमिनार हो रहे हैं। इसके अलावा हिफाजत एक इस अभियान के तहत एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रजिस्टर किया जाए, PGs को रजिस्टर किया जाए, ताकि हम सब तरह से बच्चों के अधिकारों की हिफाजत कर पाएँ। हमारा प्रयास है कि समाज का कोई वर्ग छूटे नहीं और कोई ऐसा विभाग ना छूट जाए जो बच्चों से संबंधित है, और कहीं भी हमारा बच्चा किसी भी प्रकार का अपवाद का, यौन शोषण का या अन्य शोषण का शिकार बने, यही हमारा उद्देश्य है। कब तक ये अभियान चलेगा? इस अभियान को 7 तारीख तक हम लोग चलाने वाले हैं, पहली फेज में।